भागलपुर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां जिला परिवहन विभाग कार्यालय में कार्यरत 7 डेटा ऑपरेटर को शराब के नशे में एएसपी पुरन झा ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार डेटा ऑपरेटर को मेडिकल जांच कराया गया, जहां शराब सेवन पाया गया है। बताया जा रहा है कि डेटा ऑपरेटर कर रहे थे शराब का सेवन, इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एएसपी पुरन झा ने शराब का सेवन करते ही शराब के साथ सभी डेटा ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार डाटा ऑपरेटर में दीपक कुमार, रोहित कुमार, संजीव कुमार, ललन कुमार, राजीव कुमार, पवन कुमार, अजित कुमार शामिल हैं। जहां एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, वहीं दूसरी तरफ सुशासन की सरकार में सरकारी कर्मचारी ही शराब के नशे में धुत होकर ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारा मतलब नहीं होता है मामला से, हमारा हेल्थ चेकअप क्या होता है, अब किस मैटर में है, क्यों हुआ, उससे मतलब नहीं होता। जो 7 लोगों को लाया गया, 7 लोगों को लाया गया, अब जो भी थे उसे देखिए, हमें मतलब नहीं ना, जो भी थे, हमें जो भी आया पुलिस वाला जाने क्या है नहीं है, हमें मैटर से, हमें हेल्थ चेकअप बनाना होता है। बाकी उनका जो भी सैंपलिंग होगा को मायागंज में होगा, मायागंज अस्पताल अभी रिफर किया है वहाँ पर रिपोर्ट। देखिए अब तो बता दिया आपको, हमारा नहीं है काम ना उसको कहना कि क्या वजह से आया था, अब पुलिस वाले से आप पूछ सकते हैं, उसके लिए पुलिस क्यों ले जा रही है उनको थाना, हमारा मतलब नहीं होता है, हम तो डॉक्टर है, अब किस कारण वो जेल जा रहा है हमारा उससे नहीं होता है मतलब, हमारा हेल्थ चेकअप के लिए आता है, हमारा हेल्थ चेकअप ठीक है, पेशेंट जेल जाने के लायक है कि नहीं है उसको करना होता है। फिट है अभी, वैसे तो फिट है, बट जो बता रहे ये लोग कि कुछ मेडिकल ब्लड सैंपल होना है, जो भी अल्कोहल जो भी किया हुआ है वो तो कोविड टेस्ट किया गया, सब नेगेटिव है, उसमें कोविड का कुछ दिक्कत नहीं, सारे नेगेटिव है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, यहाँ पे स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर।